So hello to everyone. Good afternoon. So welcome ji, welcome. तो फ्रेंड्स आज की जो पीडीएफ है इसमें मैंने आपको 2021-22 के सभी जितने भी शीट्स थे उन सभी के डीआई दे दिए हैं, ठीक है। और इसमें से स्टार्टिंग से बहुत सारे हम लोग कर भी चुके थे, स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लासेस को मिला के। तो फिर मैं उसके आगे चलती हूँ, ठीक है। पीडीएफ में तो मैंने सारे दे ही दिए हैं। हेलो जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर हियर। 3 to 4 days के बाद हम आए हैं अब दोबारा से। हैप्पी नवरात्रि सबको, स्टे ब्लेस। आई होप आप सबकी जो लाइफ है इसमें, नया साल जो आ चला है इसमें जीआरएफ आ जाए, ठीक है। स्टे ब्लेस एंड ड्रीम, बिलीव एक्ट एंड अचीव। यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम्स। अच्छा, सो फ्रेंड्स मुझे 13 तक का तो याद है कि हो चुके थे। इसके आगे मैं थोड़ा आगे से ले लेती हूँ ताकि, और ज्यादातर अगर हम देख रहे हैं तो किस टाइप के डीआई आपने देखे? देखो सारे हो गए, ये वाले भी हो गए थे आई थिंक। मुझे 3017 जिसका भी याद आ रहा है, काफी हद तक कर चुके हैं। जी अगर हम देख रहे हैं ना, सारे के सारे 2021 और 22 में डेटा इंटरप्रिटेशन जो आए हैं, इन सभी में रेशियो निकालना, परसेंटेज निकालना, वो ग्रोथ रेट डिक्रीज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपसे मेनली पूछी है, जो बेसिकली हम स्टार्टिंग में ही पढ़ते हैं ना कि ये मेन फॉर्मूलाज है एवरेज। तो सारे के सारे डीआई इसी के ऊपर बेस्ड है। तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन मिल गए आपको, 180 क्वेश्चन मिल गए। चलिए फिर अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आपसे मीटअप में मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ शिवानी, आपकी स्टेट कौन सी है? ये बहुत दूर से आई थी ट्रेवल करके मीटअप में, दिल्ली से नहीं थी। मेरे को एग्जैक्टली स्टेट याद नहीं थी इसलिए मैंने मेंशन नहीं की। मध्य प्रदेश या एम से नाम था। अच्छा हिमाचल प्रदेश, हाँ इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं गलत हो जाएगा। एचपी से आई थी। सो लेट्स डिस्कस फ्रेंड्स, डेटा इंटरप्रिटेशन 19th वाला क्या कहता है। इस स्टडी करना है डेटा जो आपको नीचे गिवन है। यहाँ पे दिया रेगुलर एम्प्लॉयज कितने हैं यहाँ पर, एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, और सेक्टर्स दिए, डिपार्टमेंट दिए हैं, टोटल नंबर, उनके मेल एंड फीमेल की रेशियो, ठीक है। ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। शिवानी ने इंट्रोडक्शन दिया था, बिल्कुल मैंने रिकॉर्ड भी किया है वीडियो में, ब्लॉग में। बस वो वाला हिस्सा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, कौन सी स्टेट से आई है बताया था उन्होंने। हाँ हुआ होता तो फिर वो डल ही जाता उसमें। ये कल सॉल्व कर लिया था आपने? अच्छा ठीक है, एक बार बाकी बच्चों को करने दो। फाइंड आउट एवरेज नंबर ऑफ रेगुलर फीमेल एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये रेगुलर है, ये टोटल है, इनमें से फीमेल का हिस्सा कैसे निकालते हैं? फीमेल 1:1 का मतलब 1+1, 1/2, ये आता है आपको। हेलो जी सबको करना, क्योंकि हमें फीमेल का पोर्शन चाहिए। अभी ये 1/1+2, 3 ऐसे करना है हमें। कीजिए 2+5, 7, 3/8। हाँ इनको प्लस करना है, फिर हो जाएगा। इजी कैलकुलेशन है, सारी सीधा सीधा कट रहे हैं, डायरेक्ट कट रहे हैं। वो एक ही ऑप्शन को दो बार दिखा हुआ, उसमें से एक ही चूज कीजिए, ठीक है, जो भी है। जब हो जाएगा बताना।
खुला दिया जी, सीधा कट रहा है भाई, इसमें से एक भी ऐसा नहीं जो डिफिकल्ट हो कट करने में। लाइक ये 125 थ्री के टेबल में आता है, 41 फाइव के टेबल में आता है ना, तो सीधा ये 7 के टेबल में आती टेबल में आता है। हेलो जी, वो त्यागी शिवी रुस्तम एंड ऑल। सो अगर आप सॉल्व करेंगे तो इन सबको फिर प्लस करेंगे, ठीक है, 41 36 100 114 80, फिर इन सबको प्लस करके क्वेश्चन ने क्या पूछा, एवरेज बताओ, एवरेज के लिए फिर 5 से डिवाइड करेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अच्छा, रिस्पेक्टिव रेशियो टोटल नंबर फीमेल एम्प्लॉइज, सो जस्ट एम्प्लॉइज का ही पूछा आपको, फीमेल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अभी फीमेल पीछे निकाल भी ली होंगी आपने, फीमेल इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इनकी रेशियो डिवाइड करना है इनको। तो भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 350 में से 2/87 आपने निकाल लिया था, अभी कॉन्ट्रेक्चुअल में भी फीमेल है, इनका भी निकाल लीजिए 2/7 करके। हाँ, फिर इनको डिवाइड करके लिखना है। ऐसे डीआई के सिलेबस में कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या? सिलेबस में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मैंने डीआई की फर्स्ट क्लास में ये सिलेबस दिखाया था, ठीक है, वो बात अलग है, पेपर में आज तक आया नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन वो अल्टीमेटली रिसर्च एप्टीट्यूड स्टैटिस्टिक्स वाला सिमिलर ही हो जाता है, और गवर्नेंस वाला हिस्सा आपका हायर एजुकेशन में भी आता है, तो इसलिए वो आता है कहीं ना कहीं, और डीआई का फुल फ्लेज क्वेश्चन भी आता है। प्रोडक्शन वाला तो नीचे है फिर क्या? हाँ तो प्रोडक्शन वाला नीचे वाला प्रोडक्शन वाला लिखो फिर, कब मना किया हमने, इसका 9 लिखो इसके साथ लो, उससे टोटल फीमेल पूछी ना, तो मार्केटिंग की सारी फीमेल रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल ऊपर आ जाएंगी, प्रोडक्शन की सारी फीमेल नीचे आ जाएंगी। हो गया, आई थिंक हो गया होगा। अरे वो ना ये एक्चुअली दो दो बारी क्यों लिखे हुए हैं, इसका रीजन ये है कि एक इंग्लिश वाले का आंसर क्यों लिखे हुए उन्होंने और एक हिंदी का, तो आप एक ही बार ही कंसिडर करो उसको। ऑप्शन सिर्फ इतना है, एक चला दिया मैंने, त्यागी शिवी यंश प्रशांत मधु। ठीक है, किस किस से हो गया भाई, हमें दोनों का ही निकालना था फीमेल का पोर्शन, इन दोनों को ही प्लस किया और फिर डिवाइड में उन दोनों को प्लस किया, ठीक है, फिर 100 प्लस 98 आ रहा था और प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट का 114 प्लस 1156 आ रहा है, अगेन इनको प्लस करके आपस में और कट कर दिया, देन यू गेट आंसर। अच्छा आई थिंक थ्री के टेबल में कट रहा होगा ऐसा करके। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन रेगुलर मेल एम्प्लॉय एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मेल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो आप रेगुलर फीमेल बनाया था आपने, सो रेगुलर फीमेल में से अच्छा टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं,
उसको माइनस करोगे तो रेगुलर मेल आ जाएंगे ना, मतलब ये एक शॉर्टकट है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसका आधा क्वेश्चन सॉल्व। अब यहां से कॉन्ट्रेक्चुअल वाले में से आप ओनली मेल सीधा निकालो इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री ऐसे करके, और फिर ये कहता है इन दोनों को आपस में माइनस करो। सुनो आप अपने आप ही कोशिश करो क्वेश्चन पढ़ने की। डिफरेंस का मतलब माइनस, रेगुलर मेल तो रेगुलर के या तो सीधा मेल का मल्टीप्लाई करके निकालते रहो। अगर आपने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आप फीमेल निकाल चुके हो, मेल का टोटल करके फीमेल माइनस करोगे तो भी टोटल का टोटल करके फीमेल माइनस करोगे तो भी मेल आ जाएगा। पिछला क्वेश्चन नहीं किया तो डायरेक्ट करो, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल में सीधा मेल का ही निकाल लो। जब हो जाएगा ना तो बताना। क्या बताऊं प्रजापत मैम, लाइव क्लास के बाद डाउट पूछना तो कैसे पूछे। हाँ नवदीप कोर्स सर्च करके मेरी प्रोफाइल में जिस कोर्स जो कोर्स ऑनगोइंग में चल रहा होता है उसमें आइए, उसमें अपडेट का ऑप्शन लिखा होता है उसमें क्लिक करके सबसे ऊपर जो भी पोस्ट है उसके नीचे कमेंट लिखते हैं, ठीक है, कमेंट में टाइप करते हैं। जैसे अभी डेटा इंटरप्रिटेशन चल रहा है इसके उसमें टाइप कर सकते हैं। लीजिए पोल, त्यागी, शिवी, सुमायरा, जेआरएफ, नवी, रीमा, कहाँ से समझ नहीं आ रही बताओ, क्या करना है यही नहीं पता चल रहा। गुड टू एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत थी भाई, देखो रेगुलर मेल भी आप डायरेक्टली भी निकाल सकते थे इसका, वन हाफ टू थ्री थ्री फाइव ऐसा करके, टाइम लग रहा है बस। अरे 250 का आधा करना कितना आसान है, करा तो था 125, ठीक है ये तो इजी था। हाँ इसमें सिर्फ कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है आपकी। अब वो इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा रीमा, आपको ये नहीं समझ आ रहा 2/3 कहाँ से आ रहा है। सो मेल निकालना अगर तो 2 मेल का हिस्सा है, 2+1 3, इधर 3 3+2 5 ऐसे करके आ रहा है। ये समझ आ गया आपको कि टोटल मेल 3 है, ओवरऑल टोटल मेल प्लस फीमेल 5 में से रेशो में से ऐसे करके इन सबको प्लस किया आपने। सिमिलरली कॉन्ट्रेक्चुअल का निकाला कॉन्ट्रेक्चुअल वाले मेल से एंड देन इसको भी प्लस कर लिया। फिर क्वेश्चन कहता है डिफरेंस, डिफरेंस कैसे आता है, जस्ट माइनस करके इन दोनों को माइनस किया, आपका आंसर ओनली 3 आ रहा है। हाँ अच्छा, कुछ बच्चों ने 3 आंसर इस चक्कर में दे दिया, 3 आंसर आ रहा है, 3 ऑप्शन। अरे 3 सेकेंड में लिखा हुआ था तो वो क्यों दे रहे हो, इतने महापुरुष कब हो गए। और मैंने शॉर्टकट ये बताया था पिछले क्वेश्चन में, सबसे पहले आप यहाँ निकाल चुके थे ना रेगुलर फीमेल इम्प्लॉइज, वहां से भी किया जा सकता था। टोटल फीमेल इम्प्लॉइज का टोटल किया आपने, अब टोटल करके यहाँ पर 419 आ रहा था, आई थिंक कितना आ रहा था 416, और यहाँ से इन सब का टोटल कर दिया। इन सब के टोटल में से 416 माइनस करोगे यानी कि फीमेल माइनस करोगे तो मेल आएगा ना, मैं ये शॉर्टकट बता रही थी आपको, ठीक है। अब आगे दोनों मेथड, अगर आपको ये शॉर्टकट नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली करो, फिर पहले दोबारा से सारे मेल निकालो उनको प्लस करो, कॉन्ट्रेक्चुअल के मेल निकालो उनको प्लस करो, फिर इन दोनों को माइनस करो, आगे समझ। अच्छा 1117 में से आपने 416 माइनस किया तब भी आपका 701 आ रहा होगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल मेल, ये रहे कॉन्ट्रेक्चुअल मेल इंप्लॉइज,
वो अभी मेल पीछे निकाले थे पिछले क्वेश्चन में, एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल इन ऑर्गेनाइजेशन. लो जी अभी आपने मेल निकाले हैं बैक क्वेश्चन में, निकाले थे कि नहीं, तब आएगा आंसर. अब उसमें से आप एक काम और कर सकते हो. हेलो जी, हेलो, इसका पूरे टोटल में से मेल माइनस करोगे तो फीमेल आ जाएंगी. तो क्वेश्चन क्या कहता है, उनका भी डिफरेंस निकाल दो, उनको भी माइनस कर दो आपस में. ये कह रहा है किसको समझ नहीं आया पहली बात? अगर नहीं आया खुद से क्वेश्चन रीड करो थोड़ा थोड़ा करके. लीजिए क्या नहीं हो रहा, मैं तो इधर हूं. हिंदी वाला ही पढ़ना है. अच्छा जी, गुड टू ऑल. क्यों, कोई कुछ मिस्टेक क्या होगा कैलकुलेशन का? कॉन्ट्रेक्चुअल मेल माइनस कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल, मेल हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि नहीं 698, और फिर 1094 टोटल में से मेल को माइनस किया, 396 आ गया. वाह महान सुमाया जी, क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना नहीं था, क्वेश्चन ने बोला था अभी तो ये जो डिफरेंस आया ना 396, ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल मेल आए हैं. अच्छा ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल आए हैं, ये रे 396 कॉन्ट्रेक्चुअल मेल पिछले क्वेश्चन में थे 698, ठीक है. इन दोनों को अब डिफरेंस बोल रहा है वो, इन दोनों को माइनस करोगे तो 303. अब आया समझ, वरना भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आधा आंसर देके कैसे देते हैं आंसर. विच डिपार्टमेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज, बताओ जी. अभी तक ये क्वेश्चन हमसे सारे मेल सारे फीमेल्स निकलवा चुका है अलग अलग क्वेश्चंस में, अब उनमें से बताना है कौन से वाले में सबसे ज्यादा फीमेल है. 343 के पास एम एफ का शो नहीं हो रहा यार. कि रितेश मैं इस साइड पे हूँ, बाकी सबको दिख रहा है ना, जब क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ आती हूँ. तुम्हारा रुका हुआ है स्लाइड में, बंद करके दोबारा खोलो. खोल दिया ही नहीं अभी, बाकी बच्चों को सॉल्व करने दो. दे दिया जी पोल. दो दो रितेश है. हेलो जी, जे आर एफ रुस्तम आती है बिजली. नाइस ट्रिपल वन. हाँ इसका शॉर्टकट बताए, इसका शॉर्टकट प्रिया पता है कहाँ था? एक तो इस क्वेश्चन में आप सब निकाल चुके हो, कहाँ गया? फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, यहाँ पर पीछे हम कुछ क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं. मैं दिखाती हूँ, ये रहा. एक तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल में मेल निकाल चुके हैं, दूसरा रेगुलर में मेल निकाल चुके हैं, सब कुछ निकाल दिया है. अब यहीं से आप फीमेल निकाल सकते हो ना, टोटल दिया हुआ है. हाँ ये रहा 250 माइनस 125. मेरे ख्याल से हम किसी एक क्वेश्चन में फीमेल भी निकाल चुके हैं सबकी, ठीक है, ओनली फीमेल भी निकाला हुआ था रेगुलर का, तो सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल का देखना था.
जो आपने ऑलरेडी वर्किंग करी हुई है ना उनमें से आपने रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल दोनों को प्लस करना था बस। ये क्वेश्चन पुराने वाले क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है बस। देखो रेगुलर के फीमेल और कॉन्ट्रेक्चुअल की फीमेल, इन दोनों को प्लस किया, सबसे ज्यादा आया प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन इज द आंसर। सेम ऐसे ही किया है आपने, प्लस करना था। अगर आपने सीधा ये क्वेश्चन पकड़ा फिर नहीं आ रहा आपको, लेकिन इससे पहले चार क्वेश्चन हो चुके हैं और उनमें हम सॉल्व कर चुके हैं, बस उनको रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट को प्लस करना था। ठीक है, ये शॉर्टकट ही था, इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेबल गिवन है, 7 स्टूडेंट्स, 5 सब्जेक्ट्स, ओके, मैक्सिमम मार्क्स 100 है सबके, और नीचे देख क्या रखा है, परसेंटेज। यार सबके मार्क्स अगर 100 में से है तो मार्क्स भी अगर मान लो ये है 40 है तो परसेंटेज भी 40 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। बस लीजिए, फाइंड आउट रेशियो बिटवीन स्टूडेंट हैविंग हाईएस्ट टोटल मार्क्स एंड स्टूडेंट हैविंग लोएस्ट टोटल मार्क्स। वाह भाई, टोटल का मतलब इस पूरे का टोटल करना है ऐसे, उसको फिर सबसे छोटा और सबसे बड़ा का रेशियो निकालना है। करो, सोचने से ज्यादा लग जाओ, देखो आंसर आएगा। आ गया नेटवर्क, बीच में गुम हो गया था। आपने सॉल्व किया था, वेट करो। अच्छा अरे भाई, इसमें कुछ काटने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आ रहा है, बस प्लस करना है। प्लस करने में टाइम लगेगा, बाकी सब आसान है। गुड यंश त्यागी, अभिजीत, रुस्तम, भाविका, रितेश, अच्छा जी, सो लेट्स सी। स्टूडेंट 3 के हाईएस्ट आ रहे हैं, और वैसे देखने से भी पता चल रहा है क्योंकि ना इसके 60 से ऊपर ही है परसेंटेज, है ना, इसकी सब में 60 से ऊपर ही है सब में। और सबसे कम किसके लग रहे हैं आपको, स्टूडेंट 1 के, क्योंकि ये 40 50 से 70 के नीचे ही है हर एक में। और आपको मन किया था पूरा प्लस करके भी देख सकते हो, देखो कैसा है ना, इसका तो 40 इसकी लाइन में ज्यादा मार्क्स है और इसके 70-75 है, बट इसके अंदर जो 3 नंबर है ना, 3 नंबर में 3 में 70 है, 70 प्लस मार्क्स है। बाकी इसके भी कम लग रहे हैं, इसके भी कम लग रहे हैं, देखो कम लेके आया है, इसके भी कम लग रहे हैं। तो देख के आपको पता चला कि ये 3 सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स लेके आया है, 70 प्लस मार्क्स लेके आया है, तो ये तो सबसे ज्यादा हो गया।
फिर इनका प्लस किया हमने 348, छोटे वाले का प्लस किया हमने 275, इनको हमने फिर डिवाइड कर दिया। ठीक है, देख के आइडिया लग गया हमें। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन एवरेज सब्जेक्ट वन, अभी सब्जेक्ट वन के पीछे पीछे प्लस किए हम, अच्छा सब्जेक्ट वन के नहीं है सॉरी, स्टूडेंट वन के किए। ओके सब्जेक्ट वन एंड एवरेज मार्क्स सब्जेक्ट टू, एवरेज निकाल के डिफरेंस या डिफरेंस निकाल के एवरेज, बात सेम ही है। हेलो जी, 7 से डिवाइड करेंगे, हो गया। रितेश कभी तुम्हारा मेरा हेड ऊपर आ रहा होगा, अब क्या आ रहा है भाई? अब आंसर आ रहा है तुम्हारा ऊपर, सही की गलत हो तो बच्चों का बताएंगे आप। वेरी गुड वेरी गुड। JRF चंदन, अभिजीत डेविल, डेविल डेविल, और डेविल में डेविल की फोटो तो लगाई नहीं, बच्चे की लगा रखी है। प्रजापत क्या नहीं समझ आया बताओ? देखो सब्जेक्ट वन का टोटल कितना आ रहा था बताइए। हाँ मैं बता रही हूँ, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा उसने हमने किया, 350 आ रहा था, नहीं 350 नहीं आ रहा होगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, ये तो मैंने देख लिया था, ये रहा 5, 415 आ रहा है। ठीक है, और वहां पे सब्जेक्ट टू का टोटल कितना आ रहा है? 440। ओके क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एवरेज मार्क्स, एवरेज के लिए 415 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 440 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, लेकिन आप सीधा माइनस करके डिवाइड कर सकते हो ना, इसको सीधा ही माइनस कर लीजिए डायरेक्टली कितना आ रहा है, क्योंकि 7 से डिवाइड करना ही है दोनों को ही, 25 डिवाइडेड बाय 7, 7 के टेबल में 3 पे आता है 21, 4 बचा पॉइंट 40, 35 आता है 5 पे, तो लगभग वही है। अच्छा एक मिनट, 40, अच्छा सो बेसिकली ये फिर इसमें चला जाएगा 40 में। अच्छा हाँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है। ओके ओके ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर पे यही बना ना, और कोई तो नहीं आया ऐसा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स, दोनों के में काफी डिफरेंस। हाँ फिर ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। फाइंड आउट परसेंटेज स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स इज मोर देन 60। ओके 60 से ऊपर तो एक ही लग रहा है मेरे को यहाँ पे, उसके परसेंट
क्लास ले लो। कितने स्टूडेंट है ऐसे टोटल स्टूडेंट जिनके मार्क्स उससे ज्यादा है? फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स मोर देन 60%। फाइव है कैसे? अच्छा चलो निकालो। एक सेकेंड, इसका आंसर मैं लेके आती हूँ। आ गया जी, आ गया। आंसर लेने गई थी मैं, क्योंकि इसके आगे मैंने आंसर इसका मार्क नहीं किया, किसी और क्वेश्चन का किया था, ठीक है, इसलिए। हाँ वैसे सही है, पांच है बच्चे, ठीक है, जिसके स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स मोर देन 60%। सही कह रहा है रितेश, ने कहा था ना फाइव है, एवरेज मार्क्स 60% से ज्यादा, एवरेज बोल रहा है वो, टोटल नहीं बोल रहा वो। अच्छा पांच लोग है, कितने में से? सात में से, तो ये आंसर होगा आपका, ठीक है, इसकी परसेंटेज निकालनी है। आपने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में सबका टोटल निकाला था, वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब उन सभी को 1, 2, 3, 4, 5 5 से डिवाइड किया तो 60 से ऊपर आ रहा होगा, या 500 से आप कह सकते हो, डिवाइड कर दिया आपने, ठीक है। पांच कैसे आ रहा है? फिर मैं फोटो खींच के लाऊं उसकी, कोई आंसर की, क्योंकि शायद मैंने आंसर इसके अंदर दूसरा दे दिया है। हाँ इसका आंसर नहीं दिया, दूसरे क्वेश्चन का दे दिया। एक सेकेंड, फिर थोड़ा स्टक होगा। आ गई, देखो परसेंटेज जिनके 60% मींस अगर 500 है तो 300 मार्क्स पूरे होने चाहिए। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते थे अगर हमें शॉर्टकट देखना है तो, ठीक है, कि टोटल 500 क्या है बताओ, टोटल इसमें 100 100 100 100 100 500 का पेपर था पूरा, ठीक है, अब समझ आ गई। अब 500 में से 60% यानी कि 300 मार्क्स से ज्यादा आने चाहिए बच्चों के। इज दिस क्लियर? दिस इज शॉर्टकट, नहीं तो एवरेज निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा हमें। फिर हमने जो पिछले क्वेश्चन में टोटल निकाला हुआ था वहां से इजी हो गया, टोटल इसका तो आ नहीं रहा। फिर टोटल 300 से ज्यादा कितनों का है? 1, 2, 3, 4, 5 ये शॉर्टकट था इसका, कि यहाँ पे पांच लोगों का है, पांच टोटल कितने में से? 7 में से। सो इन 200 इनका परसेंटेज 71.4542 बन रहा है, ठीक है। मैम 60 मार्क्स से ज्यादा का काउंट कर दिया होगा, हो गया। अच्छा
ये कह रहे हैं कि 60 मार्क्स से ज्यादा जैसे ये आया है ना, इन सब को काउंट कर दिया वैसे करके। चलो ठीक है, वैसे भी कर सकते थे आप, बट ये भी एक तरीका था, मैंने सारे बता दिए। अब आपको समझ में आ गया, देखने से पता चल जाता है। हाँ वो आंसर गलती से दूसरे क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। नेक्स्ट, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हैविंग मोर देन एवरी सब। अब है वो क्वेश्चन जो पीछे हम समझ रहे थे, कह रहा है ये हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा होना चाहिए। अनिल तुम्हें जो घुसता क्यों नहीं दिमाग में बताओ, यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे जिसके हर सब्जेक्ट में 60 से ज्यादा है, वहां पे टोटल की एवरेज पूछी थी। हाँ ये हम कर चुके थे। यही दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट थ्री और नहीं। बहुत खूब जी, बहुत बढ़िया। सो हियर 2 डिवाइडेड बाय 7 into 100 है ना, क्योंकि दो ही सब स्टूडेंट्स है। अब समझ में आ गया, पिछले क्वेश्चन में टोटल 5 स्टूडेंट थे जिसके 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं। जैसे 500 में 60 यानी कि 300 मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, या आप वैसे देखते हैं कि ओवरऑल में 60% से ज्यादा किसके बन रहे हैं। ठीक है, तो मोर देन 60 पूछा, 60 लेंगे क्या? हाँ लेंगे। वो कहता है कि हर सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज्यादा ही है, तो यहाँ पे दो ही बच्चे थे ऐसे और टोटल 7 में से। समझ नहीं आया, ऐसा कौन है और जिसको नहीं समझ में आया भाई, और क्या कोई और समझाना चाहता है यहाँ पर? हाँ बोलो, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन में बोल रहा है जस्ट कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज एवरेज मार्क्स इज मोर देन 60%, मतलब टोटल मार्क्स उसके 60% से ज्यादा है। समझ आई? टोटल तो एक तो ये है, एक ये है, और इसके अलावा भी ऐसा नहीं बोला कि ईच सब्जेक्ट में, उसने बोला जस्ट टोटल 60% से ज्यादा है, ऐसा बोला है। तो टोटल 60% से ज्यादा 5 बच्चों के बन रहे हैं, समझे? इस क्वेश्चन में बोला है एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में, इसमें 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 सारे, तो जो 60 से कम होंगे उनको भगा दिए हमने। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा, बाकी सिर्फ दो ही बच्चे हैं यहाँ पर, तो दो बच्चे हैं टोटल 7 में से इंटू 100। हाउ मैनी का मतलब नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ है। इन विच सब्जेक्ट ओवरऑल परसेंटेज बेस्ट, मतलब सब्जेक्ट वाइज किसके, ये देख के समझ में आ जाएगा सबसे ज्यादा किसमें आ रहे परसेंटेज। हेलो जी, हेलो, शिवी, वर्णिका, JLF, अर्जुन, रितिका, बहुत खूब। सो देख के समझ में आ रहा है, एक तो सब्जेक्ट 3 और 5 में थोड़ा कंपटीशन है, बट ओवरऑल में 3 सबसे ज्यादा है। अगर आपने टोटल करके देखा तो 1 में 415, 440, 461, मतलब कि मैं कहा था ना कंपटीशन है इन दोनों में, तो इसका जस्ट 460 आ रहा है और 3 वाले का 461 आ रहा है, मतलब एक नंबर से 3 वाला जीत गया है, समझे? हाँ वो तो देख के लग रहा था कि इसका और इसका, या तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं इन दोनों को प्लस करके देख लेते। प्रीवियस क्वेश्चन का प्री बुकिंग कब से करोगे? अभी थोड़ा रुकिए, जब उसके आने में 5 दिन होंगे
तब कर देंगे उसको. गिवन टेबल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ए बी सी डी ई ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ऑल्सो बेसिस ऑफ सेक्स. तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब मेल एंड फीमेल के बेसिस पे आपको दे रखा है मेल एंड फीमेल का प्रोपोर्शन 10+2 कैटेगरी एंड ग्रेजुएशन कैटेगरी, और यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है. ठीक है, एग्जाम जून में ही होगा, पता नहीं, मुश्किल लग रहा है थोड़ा. जून एंड हो सकता है या जुलाई हो सकता है, क्योंकि इनका फॉर्म नहीं आए अभी. फॉर्म भरने के लिए एक महीना चाहिए, फिर उसकी करेक्शन के लिए चाहिए, उसकी फीस भरने के लिए चाहिए, एडमिट कार्ड के लिए चाहिए. तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना एकदम से आ जाए. तो जून जून में होगा तो एंड या जुलाई. जी, व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन इन 10+2 कैटेगरी एंड मेल पॉपुलेशन ग्रेजुएशन कैटेगरी इफ टोटल पॉपुलेशन स्टेट इज 4 मिलियन. अच्छा, वेरी गुड. प्रजापत माइंड मैपिंग होता है, एक सेंट्रल आइडिया हमारे दिमाग में क्या है कि हम क्या करना चाहते हैं, फिर उससे हम उसके डिफरेंट ब्रांचेस निकाल देते हैं. फॉर एग्जांपल मुझे बता, मेरा सेंट्रल आइडिया डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ाना है, उससे रिलेटेड मैंने एक क्लास में कर दिया बेसिक, फिर मैंने ओल्ड क्वेश्चन, अब मैंने रिसेंट क्वेश्चन, और कल की क्लास में मैं बचे हुए कराऊंगी मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. तो इससे क्या हुआ, माइंड मैपिंग बन गया ना कि पूरा कोर्स को कैसे कवर करना है, इसको कहते हैं. हाँ जी, अभी देखती हूँ मैं. अगर अनअकैडमी की एक और न्यू ब्रांच खुलेगी उसके उद्घाटन पे चल लेंगे फिर, अगर वो मुखर्जी नगर पे शायद खुलेगी. अभी इस वाले में तो हो गया, अगर खुली तो मतलब कितना टाइम लगेगा हमें क्या पता. थोड़ा हिंट दो, अभी देखते हैं जी. व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन मेल पॉपुलेशन इन 10+2 कैटेगरी, 10+2 कैटेगरी मेल ग्रेजुएशन ग्रेजुएट कैटेगरी इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 4 मिलियन. अच्छा, ये वो वाला क्वेश्चन है. देखो भाई, सो बेसिकली टोटल पॉपुलेशन सी में कितनी है, 35%. क्या इसमें पूरे में ओवरऑल दिया था? नहीं. लेकिन क्या हम इसका टोटल निकाल सकते हैं? 4 मिलियन. वेरी गुड, गोल्डन रूल से निकाल सकते हैं. मिलियन में कितनी जीरो आती है? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर 35% है तो टोटल 100% पॉपुलेशन कितनी होगी? ठीक है, ये चक्कर है. अब ये पॉपुलेशन पॉइंट में क्यों आ रही है इसकी, रुक जाओ एक मिनट, रुको, दोबारा देखते हैं. क्वेश्चन कहता है इफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट सी इज 4 लाख, स्टेट सी के 4 लाख है. यार मैंने किया कुछ और है, 40 लाख हो जाएगा ना. ठीक है, 40 लाख हो जाएगा, 100 नीचे आएगा, पर हाँ मैंने किया तो यही है. अच्छा अब समझी, ठीक है ठीक है. टोटल 40 है, ओके, टोटल 40 लाख है, उसमें से एजुकेटेड का 35% है. ठीक है, ये था, अब समझ आ गया. टोटल 40 लाख है, उसमें से एजुकेटेड 35% है, ऐसा. तो इसमें से एडुकेटेड निकला, ठीक है जी, ये हुआ. हाँ जी, सो अब अपने मेल का इसमें से और फीमेल का इसमें से निकालना है. आ गया,
कैसे इक्विलिब्रियम मेल पॉपुलेशन इन दिस कैटेगरी, दोनों के मेल ही था, दोनों का ही मेल था. देखो मैं दोबारा समझा रही हूँ. क्वेश्चन ने बोला है व्हाट विल बी डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस करना है, मेल पॉपुलेशन इन कैटेगरी ये वाली और फीमेल पॉपुलेशन ग्रेजुएशन की कैटेगरी. अगर टोटल पॉपुलेशन सी की 4 मिलियन है, 4 मिलियन का मतलब 40 लाख, ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन में 6 जीरोस होती है, तो 4 मिलियन 40 लाख का 35% एजुकेटेड होगा ना, क्योंकि उसने टोटल बोला, टोटल में से एडुकेटेड पॉपुलेशन का हिस्सा 35% है, तो वो आया 14 लाख. अभी आपका बनता है 14 लाख इनटू मेल पॉपुलेशन 10+2 कैटेगरी एंड मेल पॉपुलेशन ग्रेजुएशन की कैटेगरी. इसका इसमें 5/8 था, इसमें 4/7 था. और इसको अगर हम एलसीएम लेंगे तो 56 आ रहा है. यस 56 और 7 इंटू 5 35, 4 इंटू 8. यस इन दोनों को फिर माइनस कर देंगे, है ना. अच्छा क्वेश्चन आप ये कह रहे हो माइनस डिफरेंस निकालना है. अच्छा अच्छा हाँ डिफरेंस निकालना है, ठीक है. सो 32 माइनस करेंगे ना तो डिफरेंस आ जाएगा इंटू फिर 14 लाख से मल्टीप्लाई कर देना तो ये आपका आंसर आ जाएगा. 14 की टेबल में 56 भी जाता ही है और उसको फिर ऊपर से फिर काट देंगे तो 75,000 हो रहा है. 14 कैसे आया, बांगड़ा डाल के आ रहा है पता है. अरे यार अभी तो बताया 10 बार बता दिया मैंने, इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया 35 × 4 करके आ रहा है. अच्छा नेक्स्ट, इफ मेल पॉपुलेशन 10+2 कैटेगरी की 2 मिलियन है स्टेट बी में, ओके ये है मेल पॉपुलेशन 2 मिलियन इन स्टेट बी, देन टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी. सिर्फ मेल पॉपुलेशन ही बता रहा है यहाँ से, यानी कि 5/10 आपकी 2 मिलियन के बराबर है, तो टोटल कितनी होगी ये पूछता है. तो देखिए इसके अंदर एक्स हमें नहीं पता, उसका अगर 50% निकालें, उसका भी अगर 5/10 निकालें, तो ये 2 मिलियन के बराबर यानी कि 20 लाख लिख लो आसानी के लिए, है ना. तो x की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन कह रहा है 50% का 5/10 अगर इतना है 20 लाख, तो ये टोटल कितना था. यहाँ गोल्डन रूल काम आ सकता है डायरेक्टली अगर करना है तो, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली गोल्डन में यही होगा. यंश आरती रुस्तम रितेश मेनाली गुड टू ऑल. एक्स का 50% सिंपल है ना, नहीं पता हमें तो हम टोटल मान लेते हैं जितना भी है. हाँ गोल्डन रूल से कर लिया आपने, वो भी कर सकते थे हम, ठीक है, क्योंकि उसमें भी यही क्या है, अगर 20 लाख कितने के बराबर है, सो 20 लाख 50 का 5/10 इसका मतलब 25/1000 के बराबर है अगर, ठीक है, मतलब 25% के बराबर है, तो टोटल कितने के बराबर होगा. तो उसको हमने ऊपर जाके सॉल्व किया, 100% कितना होगा फिर आ जाएगा, ठीक है. इक्वेशन ना जरूरी है बस, हाँ इसमें इक्वेशन बन जाए या फिर अगर ये इतने के बराबर है तो टोटल कितना होगा, गोल्डन रूल बन जाए,
दोनों तरफ से आंसर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको भी सॉल्व करके यही आएगा। फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन ग्रेजुएट कैटेगरी डी में, टोटल पॉपुलेशन 2 मिलियन है, अगर ये सिंपल सीधा सीधा करना है। अब टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है डी के अंदर 2 मिलियन, ई के अंदर 1 मिलियन, तो इसका ग्रेजुएशन में आपको फीमेल चाहिए। 45 का 2 / 6 ऐसे करके निकालो, ऐसे ई का भी निकालो, क्या देखना है। अच्छा पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं पिछला कर दिया है, ऋषभ अभी तो पीछे मैंने किया है गोल्डन रूल से सॉल्व, ये कितना है और कितना होगा। प्रशांत को सीधा करके दो, हाँ जी, गुड टू एवरीवन, नास्रीन त्यागी एंड ऑल जी, नुसरत कह रही फोटो दिखा दो एक बारी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड स्टे ब्लेस, ऐसे आगे बढ़ते रहो। क्या किया है 40 लाख का 35% 5/5, ये कौन से क्वेश्चन का आंसर निकाला है, मुझे कैसे पता हो, मुझे आंसर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन का आंसर निकाला है। इसका 35% 14 लाख, अब आप क्या चाह रहे हो, 14 लाख का बार बार करा आपने, करना तो ऐसे ही था, लेकिन इसका 5 शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ठीक है। अच्छा मेरी कॉपी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चालीस लाख का 35% 5/8, अब कोई कैलकुलेशन दिक्कत होगी यहाँ पर, 1 के चले और 2 पे चला गया, ठीक है, फिर उसको फिर 5 आ गया, 25 25 35 कितना होता है, आई थिंक कैलकुलेशन उससे होगी कुछ, ठीक है, इतना साफ कैसे लिख सकते हैं। अच्छा पहले मैं जरा ये वाला क्वेश्चन का आंसर बता दूं आपको, फिर मैं थोड़ा आगे चलती हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। डी में फीमेल ग्रेजुएट और ई में भी फीमेल ग्रेजुएट चाहिए थे, ठीक है, 20 लाख का 45% और फिर 2/6 ऐसा करना था ना, और यहाँ पर भी 10 लाख का 41% और फिर 2/5, क्लियरली चेक किया है, रेज द हैंड में देखो। अरे शांति रखो यार, एक एक करके बताऊंगी ना, एक क्वेश्चन तो बता दो। So, इस पोर्शन को अगर हमने सॉल्व किया तो 3 लाख आ गया, और इस पोर्शन को अगर हमने सॉल्व किया तो 164,000 आ गया, इन दोनों को फिर प्लस कर दिया तो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, डी में 2 कैसे, डी में भी फीमेल बतानी है 2/4 + 2 = 6, ठीक है हरजीत, और ई में भी 2/5 आना था, हाँ जी मैम वो एक्चुअली ना आपकी बुक जो वाली है क्यूबी जो क्वेश्चन बैंक है पेपर 1 का, मैम वो कब तक आएगा, 2022 से 2004 तक के एमसीक्यूज जब आएगा बता दूंगी मैं, जल्दी आ जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। मैम आपका स्टॉक आते ही एकदम अनअवेलेबल हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है, आप
ये 5 फीट में कट जाएगा, देखो हो रहा है? हाँ जी, नहीं आ जाएगा जल्दी। ओके okay. और मैम आज मैंने उसी का ऑर्डर करा था Paper 2 का, तो उसमें आया था मेल की डिस्पैच जब होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें भी 10 to 15 days लग जाएंगे ना? हाँ, आपके घर तक आने में लग जाएंगे। और डिस्पैच अगर आपने आज की थी वो फिर वो कल होगी, ठीक है? ओके, अगर आपने बुक कर ओके दी। ओके वेलकम। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो अभी इधर देखते हैं, मेरे से जल्दी सॉल्व नहीं होता। तो मैंने आपको बोला है कि आपने सुना कभी मेरे से, 5 5 डिजिट का डिवाइड करो, आज तक किया क्यों नहीं बताओ? और रोज किया करो, प्रैक्टिस करोगे होगा, ठीक है? अगर आप कहोगे मेरे से होता नहीं, फिर बैठे रहो ऐसे करके हो जाएगा। ले अगले का आंसर निकलवा दिया। Which state will have highest number of female population if population इतनी है? हाँ जी, एक तो प्रशांत तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम दोबारा कर लो शांति से, ठीक है? एक बार ही अभी रुक जाओ तुम, जब क्लास खत्म हो जाएगी तो ठंडे दिमाग से करना, मेथड तो ठीक था। सो कौन सी वाली स्टेट में हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल? भी पीछे आंसर देख चुके हो तो मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, ठीक है? इसको रहने देते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। पॉपुलेशन किस हिसाब से किया? इसी का किया, परसेंटेज से ही कर दिया हमने, मार्क्स टोटल तो नहीं निकालना, तो परसेंटेज का ही 5 डिवाइडेड हाँ फीमेल 3 डिवाइडेड बाय 8 ऐसा करके निकाल दिया हमने, ठीक है? अच्छा अगला क्वेश्चन जी, सपोज पॉपुलेशन स्टेट ए का 1 मिलियन है, काउंट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फीमेल इन ए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब 1 मिलियन से आप निकाल लो। त्यागी, सुमाया, रितेश, सृष्टि, रश्मि, तो 1 मिलियन का 60% 3 डिवाइड बाय 8, सिंपल आपका आ गया था, इजी था ये वाला। अभी स्टडी करना है टेबल, और ये क्वेश्चन हर बार आता है, सैलरी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, इंटरेस्ट और लोन टैक्सेस वाला, आप देखो हर बार ही आता है, और इस टाइप का मैं करा भी चुकी हूँ आपको, ठीक है? करना हो चुका है ना? हाँ, इसको एक बार ही होमवर्क में करना, अगर नहीं किया होगा। हम अगला करते हैं, इम्प्लॉयज और रेशियो। आप देख लो सारे एक जैसे हैं, इसमें भी वही है, वही बोलेगा इम्प्लॉय टोटल परसेंटेज, उसका फिर रेशियो निकालो। एक मेरे को मैच वाला मिला था कहीं, मैं ढूंढ लूं जरा, मैच वाला कहाँ गया, मिली नहीं रहा। एक मैच वाला भी आया था इस बारी भी। चलो तब तक ये करो टेबल फिल वाले, आया ही नहीं हुई, जितने आए थे वो तो मैं करा ही रही हूँ, पर मिसिंग भी आई मेरे को दिखाई नहीं। सारे सेम पैटर्न है, आगे थोड़ा लग ये करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के। 5 कंट्री 4 इयर्स, फाइंड आउट रेशियो डन बाय SNT, रेशियो ठीक है करो, पहले 60% करने के बाद क्यों करते हैं 3 डिवाइड बाय 8। 60% से निकला था उसमें कि एजुकेटेड कितने हैं, 3:5:3 फीमेल का था, मेल एंड फीमेल का, तो उसमें से हमें फीमेल चाहिए थी, तो 3 डिवाइड बाय 8 फीमेल निकालने के लिए, ठीक है? अच्छा हो रही हो। फाइंड आउट रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट डन बाय कंट्री एस। अच्छा, पूरी यहां से लेकर यहां तक, और टी ये एक्सपोर्ट्स है इसकी,
सिंपल ही है, दे दो बोल। मोनिका अपनी भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पेपर में भी आपको ऑफलाइन में जैसे आप घर पे करते हो उस तरीके से आराम से मिलने का टाइम तो नहीं मिलेगा पेपर में, है ना। यहाँ से ये पता चलता है कि आप बाकी बच्चों से कितना पीछे हो, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। बाकी बच्चों के साथ कंपटीशन में आगे बढ़ो। अच्छा आपने हाँ जी भाविका गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी गुड आफ्टरनून मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने किया है और आपकी क्लासेस भी लाइव ली है, बट मैम जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मेरा एम्प्लाई अच्छे से होता नहीं, मेरे क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं और मैं समझने की भी पूरी कोशिश करती हूँ पर क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं मेरे रिसर्च के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब कोई टॉपिक होगा ऐसा मैम, जैसे ये एक्शन रिसर्च और ये अप्लाइड जो ये होते हैं ना मैम, मेरे बहुत ज्यादा गलत होते हैं, मैं समझने की इतनी कोशिश करती हूँ पर पहले क्यों आप दिमाग से सब कुछ निकाल दो और दोबारा देखो और ये समझो कि जो एक्शन रिसर्च है ये एक पर्टिकुलर पर्सन स्पेसिफिक है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव है, ये आपके अंदर प्रॉब्लम है, किसी में बच्चे में प्रॉब्लम है। और देखो रिसर्च में देखो सेम सबका डाउट नहीं होगा, अलग अलग डाउट हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लोकल लेवल की सॉल्व करनी है। और वहां से जो अप्लाइड है ये क्वांटिटेटिव है, और आपके दिमाग में जितना पहले भरा हुआ था सारा निकाल दो वापिस से और एक बार वीडियो ठंडे दिमाग से देखो, ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटी है कौन सी क्वालिटी, इसमें क्या क्या मैंने समझाया है। आप सब कुछ साइड रखो, एक तो नोट्स वगैरह सब से सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ, फिर दोबारा देखो तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। आप पहले भी जो रखा हुआ है उसके अंदर और ऐसे था वैसे था वैसे था कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है। तो अब आप साइड कर दो सब कुछ और दोबारा देखो, ठीक है। और फिर उस हिसाब से ही करना जैसा वीडियो में मैंने बोल रखा है, पिछली नॉलेज को अभी के साथ मिक्स मत करना, ठीक है जी। ओके मैम थैंक यू। हाँ जी स्कोर क्यों नहीं शो रहे, कोई बात नहीं, तुम कहाँ भाग रहे हो। हाँ बस इन सब के एक्सपोर्ट को प्लस करके आ गया 109 और टी के भी प्लस करके आ गया, है ना, इसकी रेशो निकालनी थी। विच ईयर हैज मिनिमम एवरेज इम्पोर्ट, सबसे कम एवरेज इम्पोर्ट किसी है। देखो निकालना तो है नहीं यहाँ पे, और आप वैसे जिसकी इम्पोर्ट टोटल में कम होगी एवरेज में भी उसी की कम होगी, ये लॉजिक लगाया जा सकता है ना। देखो फिर सबसे कम इम्पोर्ट किसकी है, कौन से ईयर में है। क्योंकि जब टोटल करेंगे तो उसको डिवाइड भी उसी से करेंगे, 1 2 3 4 5 5 से। दे दो बोल। रुस्तम ने भगाया सबको। हाँ ये वाला इजी है। गुड टू ऑल, बस सबका टोटल करके ना तब भी पता चल जाएगा इसका टोटल कम आ रहा है एवरेज भी उसकी कम आ रही है, क्योंकि एक्चुअली सॉल्व नहीं करना लेकिन मैंने सॉल्व भी करके दिखाया हुआ है। फिर उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। ओके विच ईयर मैक्सिमम एक्सपोर्ट, अभी ये ज्यादा आसान है क्योंकि सच्ची में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई सबको प्लस करके फिर भी देख लीजिए, देखना है तो सबसे ज्यादा कौन से साल में एक्सपोर्ट दिख रही है।
हाँ चलेगा विकास, ये डबल डबल एक बार इंग्लिश का लिखा हुआ है एक बार हिंदी का लिखा है, और नंबर इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही होते हैं। एनटी ने क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखा था। सीधा सीधा पता लग रहा है ना, क्योंकि एक ऐसा है जिसमें ज्यादातर 30 से अबव ही है सारी के सारी, वो तो यही था बस। हाँ जी आपको भी स्टे ब्लेस। हाँ जी मैम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आया तो हुआ है 2022 में, ठीक है। अब आपके वाले में नहीं आएंगे कि आएंगे ये मेरे को नहीं पता, आपको समझ नहीं आई प्रिया, इतना आसान क्वेश्चन नहीं समझ में आ तुम्हें। अरे भाई एक्सपोर्ट को प्लस करनी थी सबके, ठीक है सबको प्लस किया और सबसे ज्यादा 2020 में आ रहा है, और दूसरा वैसे देख के भी पता चल रहा है 2020 में 30 से अबव ही है सारे, बाकियों में फिर भी छोटे डिजिट्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा लग रहा है, ठीक है। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टोटल एवरेज एक्सपोर्ट एवरेज इंपोर्ट फॉर पी, ओके लो अब कर लो टोटल, तुम्हें करना था पहले टोटल करो फिर एवरेज निकालो, एवरेज के लिए 4 से डिवाइड करना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ऐसे भी कर सकते हो, आपको पूछना पड़ेगा, मैं अपनी मर्जी से कैसे बताऊं, मैंने देखे नहीं आपके डाउट, मैं कहा था डाउट क्लियरिंग क्लास में पूछना। चला दो बाकी क्लास दिख रही सृष्टि, तो क्लास देख लो। इनकी गप्पे सुन के क्या करोगे, कोई बात नहीं होती है ना। हाँ जी इन सबको प्लस किया आपने तो 99 आया, एक्सपोर्ट को भी प्लस किया 130 आया, फिर 130 99 डिवाइडेड बाय 4 31 डिवाइडेड बाय 4 किया आपने, फिर आपका आंसर आएगा 7 28, तो 7.75 आएगा आपका आंसर, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी के साइड में क्वालिटेटिव को जनरल टू स्पेसिफिक बताया है, हाँ तो उसमें ये मैंने क्लास में समझाया था आपको, जब जनरल वो एक्चुअली जैसे स्पेसिफिक टू जनरल जा रहा है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है फिर से स्पेसिफिक पे, मतलब पहले आप फंडामेंटल बना रहे हो और उसके बाद फर्दर उसके ऊपर टेस्टिंग होती है, तब जाके वो 100% श्योर होती है। बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी फंडामेंटल बनाने का तरीका है, उसके बाद उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है, ताकि कन्फर्मेशन हो। हाँ जी so which country has maximum percentage of profit increase from 2019 to 2020? करा दिए क्या? हाँ बिल्कुल, पूरे फैब के 30 डेज हमने मैथमेटिकल रीजनिंग किया था, फैब में 28 होते लेकिन आगे मार्च तक गई थी मैथमेटिकल रीजनिंग। Which country has maximum percentage प्रॉफिट इंक्रीज, प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्वेश्चन ने दिया हुआ फॉर्मूला, हेलो जी
अब उससे सिर्फ मैक्सिमम पूछा तो आपको सिर्फ इतनी ही कंट्रीज करनी है, सारी करने की जरूरत नहीं। नासरी मिनाली, मैत्री, रुस्तम, वत्स। अच्छा क्या आपने ऐसे किया था? प्रॉफिट 2019 में 8845 11 हो रहा है, और 2020 में भी 10847 हो रहा है। अब मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ उसके लिए आप परसेंटेज भी निकाल सकते थे, और वैसे भी आप देख सकते थे, वैसे परसेंटेज में ज्यादा सही पता चलेगा आपको कि सबसे ज्यादा इंक्रीज जो हुआ है वो इसमें हुआ है। जिसमें डिक्रीज है उसको निकालने की वैसे भी जरूरत नहीं है, आपको पूछा भी इसी में था, ठीक है? हाँ, वैसे भी पता चल रहा है कि बाकियों में 2 0 और 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस था, और अदरवाइज परसेंटेज में निकालना होता तो कैसे निकाला हमने? फाइनल वैल्यू, इसका मतलब जैसे 10 माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ऐसे करके निकाला है। इसको करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 3 करने थे अगर पूरा निकालना है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंट इयर्स में आपको डिफरेंट कोर्सेज का पूछा हुआ है, टोटल ही दिया हुआ है। हाईएस्ट परसेंटेज फ्री फीस इंक्रीज, ये क्या दी हुई है इसने? एक मिनट, क्वेश्चन फीस दी हुई है 2019 टू 2020, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज फीस में कितना हुआ है? सेम डिटो, फाइनल वैल्यू 28,000 माइनस, ऐसा करके देखना आपने। आपको वैसे देखने से 2 में डाउट लग रहा होगा, आप उन दोनों को सॉल्व करके देख लो बस, उसमें से भी सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हो रहा है, बाकी 2 में बहुत ज्यादा क्लोज है तो कोई फायदा नहीं है। देखिए, सो इजी था। वैसे मुझे लग रहा था एमसी और एमटेक में डिफरेंस रहो, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ कुछ ही हंड्रेड्स का डिफरेंस है, इसमें थाउजेंड्स का डिफरेंस है, इसलिए, ठीक है, तो हम लोगों ने इन दोनों को ही सॉल्व करके देख लिया। वैसे सबसे ज्यादा एमसीए में ही आ रहा है, वैसे एमटेक में भी नहीं, ये सारे क्लोज ही है अगर एक्चुअली में सॉल्व किया जाए तो, ठीक है, तो एमसीए का सबसे ज्यादा आ रहा है, तो यू विल गेट एमसीए।
इसका कैसे होगा, 400 400 तो होगा, 400/27 600 ऐसा करके हो जाएगा, और बी एमसी का सबसे ज्यादा है डिफरेंस. Difference between the average semester fees BCA and average semester fees MCA. मतलब अभी एक जाता है कि सबको प्लस करो और फिर उनको माइनस करो एवरेज निकाल के, या माइनस करके फिर एवरेज निकाल दो. हाँ तुम सोचो, तब तक देखो बच्चों का हो गई है. ज्यादातर का हो गया अब, ठीक है, देखा आपने डिफरेंस. जब हम सोच रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है, कर लो तो हो जाएगा. यंश, शिवी, त्यागी, रुस्तम, अमरीन. गुड टू एवरीवन. हाँ जी, तो प्लस है 134300 एंड 272200. इन दोनों को माइनस करके फिर 5 से डिवाइड करो तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, क्योंकि दोनों को 5 से डिवाइड करना है. डिफरेंस करके 10 डिवाइड से इजी होता है. अभी एवरेज ऑफ डिफरेंस फीस एमसीए एंड एमटेक. एमसीए तो निकाल चुके हो आप पीछे, अब एमटेक को निकालना है. मैं इधर आ जाती हूँ. लेट सबमिट हो रहा है पोल, कोई बात नहीं, आंसर सही आने से मतलब है. नेटो के शो इनकी तरह खंबे पे चढ़ो. इसमें अच्छा हुआ कि एक का निकाल चुके थे हम, दूसरे का ही निकालना था. त्यागी, अभिजीत, रुस्तम, नासरी, मिनाली.
डन हो गया। हाँ जी, सो फ्रेंड्स उसका पीछे निकाला था ना आपने। इसमें से इसको माइनस किया, डिवाइड बाय 5 कर दिया। पोल की वजह से स्पीड थोड़ी आ रही है, अच्छी बात है। सो विच कोर्स हैज लोएस्ट परसेंटेज फी इंक्रीज फ्रॉम 17 to 18। अभी इसमें सबसे छोटा काम किसमें इंक्रीज हुआ है, सबसे कम किसमें इंक्रीज हुआ है? एमसी का हुआ है ना। हाँ, हमने एमसी का पिछले क्वेश्चन में कर लिया था। अभी एमटेक का किया, अभी एमटेक में से एमसी माइनस किया, हमने 5 से डिवाइड कर दिया। करना तो वही है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब तुमने निकाला है कि ऐसे बोल रहे हो? करो, बाकी मैं खबर ले रही हूं। ये कैसे करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मैंने बहुत देर से रुकी हुई हूँ कविता, आप मैसेज टाइप कर रहे हो, कर नहीं रहे क्वेश्चन। दूसरे लर्नर का होगा तो उससे आपको क्यों ऐसा ऐसा हो रहा है? अपना सॉल्व करो उतने में। अब दे रही हूं मैं सारा, सबका हो गया। रुस्तम नासरीन त्यागी जेआरएफ, निकिता हर्षिता शालू दीप्ति मिनाली डोलमा सुकांता। क्या हुआ वो? हाँ जी, सो करना यही था बार बार इंक्रीज ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। 700 डिवाइड बाय 265 इनटू 100, 700 डिवाइडेड बाय 535। सो इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। 1100 डिवाइड बाय 600 डिवाइड बाय 320, इसको फिर हम काटेंगे तो हो जाएगा, देखते ही बनता है ये। दूसरा तरीका ये है कि ना, अगर 700 डिवाइडेड बाय 625 और 700 डिवाइडेड बाय 535, इनमें से छोटा कौन होगा? जब ऊपर न्यूमरेटर में सेम हो जाते हैं तो बताओ छोटा कौन होगा? छोटा आपका एमसी होगा, ओपोजिट होता है ये। इसके लिए मैथमेटिकल रीजनिंग की फर्स्ट क्लास हाँ देखोगे या सेकेंड क्लास देखोगे, उसमें मैंने ट्रिक्स बताई है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता तो जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है छोटा। लेकिन अभी न्यूमरेटर सेम है इसलिए जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। समझे? बात समझ में आई? क्या हो गया? 600 ही बड़ा है था, 700 बड़ा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो हम सिर्फ इन दोनों में चेक कर रहे हैं, बीसी और एमसीए में। आज क्यों भाग रहे हो? यहाँ पे लॉजिक क्लियर हो गया, अभी एमसीए को पकड़ लो। 700 डिवाइड बाय दिस और दूसरा एमटेक है, 1100 डिवाइड बाय दिस। अब ये कॉमन सेंस है कि ये काफी बड़ा है, 265 कैसे आया? अरे यार, 2 जीरो से जीरो काट के खुश ये किया हमने। अच्छा फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 00 तो हम इग्नोर भी मार देंगे, 614 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 535 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समझ में आ रहा है बिना करे कि ये बड़ा होगा हाई, ये लो होगा। तो हम फिर से एमसीए को पकड़ लेते हैं, ये हमारा उसका ट्रिक लग गया। अब एमसी और एमफिल में चेक कर लो, 600 डिवाइडेड बाय 320
एंड 700 डिवाइडेड बाय 535। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करके छोटा आएगा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके स्मॉल आएगा, स्मॉल किससे आएगा, स्मॉल अगेन 7 × 3 = 21 और 6 × 5 = 30। तो लगभग अराउंड अबाउट में अगर लूं तो ये स्मॉल है ना एमसीए, तो ओवरऑल में एमसीए इज लोएस्ट। लॉजिक समझ आ रही है? जब हमारी रेशियोज होती है तो खाली हम ऐसे मल्टीप्लाई कर करके भी आंसर फास्टली निकाल सकते हैं, दिस इज द ट्रिक। अब नेक्स्ट करो, और तुम अक्षिता सीधा सीधा करे जा रही हो, छोटा बताया था। फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन टोटल सेमेस्टर फीस 2018 एंड 2019। बस अब तो प्लस करके माइनस करना है। हो गया प्लस माइनस। दे दिया। एक ट्रेन वाला क्वेश्चन करते हैं, वो अलग होगा इसके बाद, इनमें तो सब यही है। टाइम डिस्टेंस स्पीड। हाँ जी, तो बस प्लस किया आपने 1765 और 1796, फिर 96 में से 65 माइनस किया तो आपका आंसर आ गया 31। ठीक है, ये डीआई कंप्लीट हो गया। एक सेकेंड, अब मैं ट्रेन वाला लेके आती हूँ। स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली। ट्रेन का नंबर दिया है, सोर्स स्टेशन दिया है मतलब कहाँ से जा रहा है, डेस्टिनेशन स्टेटस दिया है कहाँ जा रहा है, जैसे ए से पी पे जा रहा है, बी से क्यू पे जा रहा है ऐसे। किलोमीटर स्पीड, फेयर पर पर्सन, टोटल सीट्स, रिजर्व सीट्स, ये सब दिया हुआ है। अभी आज हम 2021-22 वाले प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें मिसिंग डीआई कोई आया ही नहीं। अगर आया भी होगा तो या फिर तुम बता दो, तुमने पीडीएफ में देखा है तो उसका क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं वो करा दूं। मेरे को तो नहीं दिख रहा कोई मिसिंग वाले की। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोलती थी कि कल कराऊंगी, और इसका मतलब ये नहीं होता कि अगली बारी भी मिसिंग डे कभी नहीं आएगा, ये वाली बात गलत है। आपको तो करके जाना है। हाँ करा रही हूँ। व्हाट इज एवरेज ऑफ नंबर ऑफ सीट वेकेंट इन ऑल ट्रेन। खाली का है ये ट्रेन का नंबर है, यहाँ से आ जा रहा है टोटल सीट, रिजर्व सीट। ओके, टोटल सीट्स और खाली सीट, ये रही। ठीक है, हाँ तो हम खाली सीट टोटल और रिजर्व निकाल ली हुई है। खाली निकाल लोगे ना? हाँ जी बताइए। गुड गौरंगी, सही समझे। हाँ जी निकालिए, फिर उनको प्लस कीजिए, फिर उसकी एवरेज निकालिए 5 से डिवाइड करके। ये लास्ट वाला मैसेज दिखता नहीं है, इसके नीचे कोई और करेगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर दिखेगा मुझे। अब दिख गया। अब क्या मैम, टॉपिक सिलेक्शन बिटवीन ऑल द हेडिंग दे आर वेरी मोर। ये कैसा डाउट है समझ नहीं आ रही। तो रिसर्च प्रपोजल पहले बना के बैठ गए, उसका टॉपिक डिसाइड नहीं किया।
रेज द हैंड में आके पूछ लो। उससे रिलेटेड रिसर्चेज में उन्होंने क्या नेम रखे हैं, उसके बेसिस पे अपना टाइटल का नाम मिक्स एंड मैच करके अपना माइंड में आके सोचो। वेरी गुड टू एवरीवन। हाँ तो प्लस माइनस करना था पहले, फिर प्लस करना था। ठीक है, 280, 320, 300, 360, 260 प्लस किया उनको, फिर 5 से डिवाइड किया, 304 आया। कौन सी वाली ट्रेन मिनिमम पर किलोमीटर कॉस्ट? अच्छा, फेयर का मतलब कॉस्ट ही होता है, ये क्वेश्चन है। ये पर, अच्छा रुको, ये तो पर पर्सन है फिर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, स्पीड है, टोटल सीट्स है। मतलब कि फॉर्मूला क्या होगा, ये तो पर पर्सन है फेयर, मतलब इतना चार्जेस लगे, और किलोमीटर इतने हैं, तो पर किलोमीटर के लिए इससे डिवाइड करना पड़ेगा, कोई डिफिकल्ट है। पर शब्द का मतलब क्या होता है? हाँ, पर वर्ड कहीं पे भी आया है, इसका मतलब है कि डिवाइड करना। तो फेयर है जैसे 3000, उसने बोला पर का मतलब डिवाइड, बोलता है किलोमीटर, नीचे कर दो किलोमीटर। मिला तीन चार ट्रेन का तो निकालना है, सबका तो निकालना है। सलोनी AIR का हो गया है, विकास खेती का भी हो गया, सिमरन त्यागी, यंश रुस्तम, सुमाया। आवाज नहीं आ रही मेरी? क्लोज एंड ओपन अगेन। ठीक है भाई, निकाल दिया तो कोई इशू नहीं है। 3000 डिवाइड बाय 1200, 2800 डिवाइड बाय 1250, ऐसा करके सबका निकालना है, तो आपको दिखेगा 2.18 आ रहा है 3 का। विच ट्रेन हैज मिनिमम नंबर ऑफ वेकेंट? पीछे हम वेकेंट सीट निकाल चुके हैं, उसमें सबसे कम किसकी आई थी, निकालना थोड़ी है इसमें, इसमें तो सीधा बताना है। बादशाह, सुमाया, ऋषभ, श्रेया, डेविल। ये क्वेश्चन मस्त दिया इसने, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। ठीक है, 260 सबसे कम है, इसकी भी 280 आ रही है, सबसे ज्यादा है। इस पे खामोखा डिस्टेंस दिया, कुछ करवाया भी नहीं उसका। विच ट्रेन विल टेक मैक्सिमम टाइम? चलो टाइम आ गया,
टू रीच डेस्टिनेशन, सबसे ज्यादा समय कौन सी ट्रेन लेगी? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। करो, आप फॉर्मूला लगाओ। मोमिता सलोनी और शालू का हो गया है लगता है, क्या गिर रुस्तम शालू, ये कैसा नाम है भाई? पक्का काज पंकज। भाई कौन से डिजाइन मारे नीचे? हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फिर सारे डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाली हमने, तो 9.2361, तो मतलब स्पीड नंबर ट्रेन नंबर 4 बहुत क्लोज है। कौन सी? 3, 4, मेरे को तो नहीं दिख रही। उससे ज्यादा क्लोज तो ये 5 वाली है, 4, 5 वाली क्लोज। फिर भी नीचे वाला डिजिट अलग है भाई, इसलिए शॉर्ट मेथड। कोई तुम शॉर्ट मेथड खोजो, उतने में बच्चे करके निकल लेंगे। ठीक है कविता, इस बात को समझो, जहां डिवाइड करना है, जहां कैलकुलेशन करनी है, वहां करो। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने वालों को मिलता है। शुरू हो जाओ। टाइम डिफरेंस बिटवीन ट्रेन विच टेक मैक्सिमम ड्यूरेशन, ट्रेन विच मेक, पीछे टाइम निकाल चुके जैसा, अब तो बस वो देखना ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा वाला टाइम किसका रहा था और सबसे कम टाइम किसका रहा था, उसको बस माइनस कर दो। 3, 4 ऑप्शन का शॉर्टकट ये हो सकता था कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं, एक सेकंड, जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो जिसमें सबसे ज्यादा गैप होता है वो ज्यादा होता है। इसमें क्लोज नहीं था सरोज, तो तुम्हें क्लोज दिखाई दे रहा है। उसके नीचे 150 है, उसके नीचे 130 है, इसमें गैप कम है तो इसका कम आएगा, इसमें गैप ज्यादा है उसका ज्यादा आएगा काटने पे। ये भी पता कब पता चलती है शॉर्ट ट्रिक? ये भी ऐसे नहीं पता चलती, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, रोज रोज डिवाइड करते हो तो पता चलती है। फिर आपको अपने आप समझ में आता है। यश त्यागी, अभिजीत, डेविल, सुमारा, ऐसे मैं कितने सारे बताऊंगी, आपको याद करना पड़ेगा, वैसे खुद से समझ आ जाएगी। हाँ, ऐसा होता है हर बार। तो मुझे क्या पता है क्या कंसिडर कर रहे हो? ऑप्शन 3, 4 क्लोज है। ठीक है, क्या बोल रही है अब? पता, कोई ट्रेन ये दोनों वाली कंसिडर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा हुई ना भाई, 9.6। तो देखिए जरा, मैक्सिमम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल के 9.61 आया था, मिनिमम 6.75 आया। अब इन दोनों को ही माइनस कर दिया, 2.86 आया। सिंपल, 0.2 भी निकालना है। अच्छा हाँ, पिछले क्वेश्चन में आपने शायद ना निकालो, लेकिन हाँ अब निकालना पड़ेगा। ओके ठीक है,
हो गया वाला क्वेश्चन मिनिमम के लिए। हाँ वो मिनिमम मिनिमम उसका आता ना, हाँ तो वो निकालना पड़ेगा। लो जी डिस्टेंस भी टाइम भी हमने कर लिया। स्टडी करो टेबल और जिसके अंदर कैंडिडेट क्वालिफाइड दिए हुए हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर और अपियर्ड भी दिए हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड नहीं हुए। अच्छा मुझे लगा कह रही बोल दे दो। कैंडिडेट फ्रॉम ईयर 2018 एंड 2019, डिफरेंस बिटवीन नॉट क्वालिफाइड। अच्छा देखो भाई अपियर में से क्वालिफाइड माइनस करोगे नॉन क्वालिफाइड आएंगे, ऐसे करके आपको सबका प्लस करना है। सिमिलरली नीचे वाला भी प्लस करना है ऑल कैटेगरीज। फिर उनके अंदर भी डिफरेंस निकालना है आपस में, क्योंकि लास्ट में उसने बोला है कि 2018 का सब निकाल के फिर 2019 का डिफरेंस बताओ। सब डिजिट थाउजेंड्स में है। तुम्हें डराओ के कैस नॉन क्वालिफाइड कैसे आएगा? 4.2 माइनस 2.1 करके आएगा कि नहीं आएगा? और थाउजेंड्स में तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इतना हो गया। तो ऐसे करके बाकी सबका भी निकालो, फिर इन सबका टोटल करोगे तो नॉन क्वालिफाइड टोटल आ जाएंगे। सिमिलरली गो फॉर 2019। क्वेश्चन कहता है डिफरेंस, तो इन दोनों को आपस में माइनस करो। संगीता रुस्तम आरती गुड टू एवरीवन। क्या लेके आए हो ये 1.4, 2.1, 4.4, 1.0, 2.1, 9.6 आ गया। सिमिलरली इनको भी गया हमने, तो डिफरेंस जो भी आया है उसको हमने हजार से और मल्टीप्लाई करना है, तो 1000 से और मल्टीप्लाई करके 600 आ गया फिर। ठीक है, कौन से ईयर में डिफरेंस बिटवीन नॉन क्वालिफाइड बीएससी एल और बीए मिनिमम थोड़ा सा वो है? हाँ बिल्कुल है, इकोनॉमिक्स की क्लास। देखो नॉन क्वालिफाइड ऑफ बीएससी मतलब इन सब का ही माइनस करना पड़ेगा हमें, और नॉन क्वालिफाइड ऑफ बीए इन सब का माइनस करना पड़ेगा, फिर इनको भी माइनस करना पड़ेगा। प्लस माइनस का डीआई है पूरा। हाँ इसको पहले माइनस किया, इसको माइनस किया, फिर उसको फिर माइनस किया, वो आपका आंसर यहाँ पे आएगा। अब इन सब में भी चेक करना है कि सबसे छोटा कौन है।
अब मत करो 0.6 आंसर दो, सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में है। संगीता, रुस्तम, नासरीन, शालू, कंचन। ठीक है, सो एक्चुअली सबका ही माइनस किया आपने, फिर से दोबारा से और माइनस कर दिया, फिर 1.2 आया। बात समझ आ रही सबको? हाँ, 1.8 आया बीएससी का नॉन क्वालिफाइड, ऐसे बीए का आया, फिर इनको फिर वापस माइनस करा जो से डिफरेंस बोला था। अब इन सभी डिफरेंस में से सबसे छोटा को, सबसे बड़ा कौन है? 2019। ये क्वेश्चन नहीं पूछा डिफरेंस बिटवीन दिस इज अ मिनिमम। अच्छा मिनिमम 2016 क्यों नहीं हुआ? एक सेकेंड, मिनिमम हाँ छोटा, हाँ एक सेकेंड, मैंने गलत लिखा आई थी, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट डिफरेंस लाइन कर दिया मैंने बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, प्लस प्लस करना है क्वालिफाइड को एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, फिर उनका माइनस करना है, इन सबको प्लस किया, इन सबको भी प्लस कर दिया, इनको भी। फिर इनको इनको माइनस कर देना, दे दिया जी। त्यागी, सिमरन, अभिजीत, आरती, संगीता, बादशाह, शालू, अर्जुन, ए, जेआरएफ, जेआरएफ, मिनाली, नास्त्री, नैनो। अच्छा पोल ही नहीं आया, आंसर सही आ गया। हाँ जी, देखो क्या करना पड़ा इस क्वेश्चन में, आपने बीएससी बीए सबको प्लस करके भी प्लस कर दिया आपस में, फिर एमएससी एमए इन सबको प्लस करके फिर आपस में प्लस कर दिया, फिर उसके बाद आपस में फिर माइनस कर दिया क्योंकि डिफरेंस पूछा है, तो आया 3.5। सारा डाटा थाउजेंड्स में है तो 3500 इज द आंसर। Find out difference between the average qualified candidate MSc and average qualified candidate MA. पिछले क्वेश्चन में अगर आपने पूरा प्लस किया होगा तो आपके पास इनका टोटल रहा होगा। हाँ
अब जरा फिर इसको माइनस करके आंसर दे दो। अच्छा माइनस करके 5 से डिवाइड करके आंसर दो। निजे सुमन एंड चालू एंड ऑल। त्यागी आयशा श्रेया रुस्तम चालू। बताओ भाई क्या बात है। अरे रो अरे वही उन लोगों ने ना इस क्वेश्चन में प्लस किया था अलग अलग, तो उनको टोटल मिला होगा है ना, यही बात थी। फिर उनको माइनस करना इजी था, सेम ही चीज है उसमें से, सिर्फ माइनस करना था, सिर्फ आपने किया नहीं। तो टोटल किया तो 6.1 आ रहा था और इसका टोटल किया तो 13.1, फिर उसमें से आपस में माइनस किया 6.1, 6.1 को फिर आपने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया 1.4, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 14, मतलब वैसे देख के भी हो जाए। ठीक है अगला क्वेश्चन। एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुए क्वालिफाइड हुए बीएससी में। पीछे भी शायद प्लस तो किया था इसका कुछ, इनके डिफरेंस करके फिर एवरेज बोल रहा है। फिर वही बात, या तो पेपर साफ लेके बैठना था, तुम्हें नहीं पता कि यही कराना है मैम ने, तुम एक ही पेज लेके बैठे हो और उसी में घिचड़ मिचड़ करे जा रहे हो। ये लो ठीक है गुड। हाँ तो प्लस किया ना इसका, 19.8 आ रहा है, 9.3 आ रहा है, इन दोनों को माइनस किया, 5 से डिवाइड किया, सो 10.5, 10.5 को 5 से डिवाइड किया, 2.1, 2.1 को 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, 2100। हाँ क्या नहीं समझ आ रहा, आएगी बिल्कुल ये कसम से तुक्का वाला गलत हो गया। हाँ तुम गप्पे मारे, तुम कैलकुलेशन तो कर नहीं रहे थे है ना। हाँ जी कविता, त्यागी स्मार्ट है, तुम भी बनो। देखो आप सब आप एक दूसरे से कंपटीशन करो ठीक है, और अपने आप को फास्ट करो। आपका कंपटीशन एक दूसरे के साथ है, आप एक क्लास में भी हो, साथ में आपको नंबर वन पे भी आना है, तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सोचने से भी नहीं होगा, करने से होगा। देखो भाई टोटल हो गया 120, नीचे क्या दिया हुआ उसने, ब्रैकेट में सीट दिया, उसके नीचे क्या दिया है, रिंग टेबल हैज नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट। अच्छा नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट और टोटल सीट्स।
विच ईयर हैज मिनिमम वेकेंट सीट, ये टोटल सीट है 120, उसमें से एनरोल 96 हुए, ठीक है, ऐसा विच मिनिमम वेकेंसी, जिसकी कम खाली सीट है, खाली सीटें कम है, देख के बंद हो रहा है, वैसे हो गया, बाकी का हुआ, देख के समझ में आ रही है, सबसे कम सीटें खाली इसके माइनस करने, सबसे कम खाली सीट का मतलब सबसे ज्यादा भरी हुई, कॉमन सेंस की बात है, हाँ देख के पता चल रहा है, एग्जॉस्ट हो गया आज, बट ये तो इजी क्वेश्चन है, उफ उफ मिर्ची, उफ उफ डीआई, देखो 120 में से ये ज्यादा, फिर इसमें सिर्फ दो ही छुट्टी है, इसमें पांच, इसमें सिर्फ दो चार, कितना अच्छा सीट्स भरी है इसकी, तो खाली कितनी सिर्फ 19, विच ईयर हाईएस्ट एवरेज एनरोलमेंट, अभी एनरोलमेंट तो दे ही रखी है, इन सबको प्लस करके डिवाइड करना है ना बस, हो तो जाएगा, बड़ा आसान है, आज न्यू ईयर है, फेस्टिवल्स है, यस, अनअकैडमी पे टॉप 100 जेएनएफ स्टूडेंट फीस रिफंड करा, हाँ आपको पता चला, अनअकैडमी ने इस बार जितने भी टॉप 100 जेएनएफ हो गया ना क्लियर सबका, मेरे पास बड़े बड़े बच्चों का मैसेज आया, कॉल आया कि मैम सच है कि फेक है, तो मैंने बोला हाँ सच है, उनको रिफंड किया है, करती है, पहले नहीं करती थी, अभी इस साल निकाला था तो इस बार किया उन्होंने, जितना भी फीस उन्होंने स्पेंड किया था ना अनअकैडमी पे, मतलब सारी की सारी माफ वापिस आ सकती है आपके पास, अगर आप जीआरएफ लेकर आएंगे और अच्छे मार्क्स से, समझे, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया, किसी का कॉल आया कि वही बताओ, तो मैं कहा हाँ सच चाहिए, घर दो फोन, उनको भी लाया, फ्रॉड तो नहीं है, ईमेल भी आए थे वो, हाँ लेके आओ, पिछला क्वेश्चन वाला ही था, हाँ सही बात है, इसमें उसी से निकल के आ गया, क्योंकि अरे जिसमें मैक्सिमम है, एवरेज भी मैक्सिमम उसी में होगी ना, प्लस करके बस, सीधी सी बात है, कौन सी वाला एवरेज नंबर ऑफ वेकेंट सीट बीटेक ईयर, बीटेक में भाई बीटेक का निकाल दो 120 में से माइनस कर करके, ठीक है, फिर उसकी एवरेज निकालो, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी करो, फॉर्म भरना पड़ता है ना, जो फॉर्म भरवाया था उन्होंने आपसे कि जेआरएफ अगर हो गया तो ये वाला फॉर्म भरो, तो उसके बेसिस पे चेक करके उन्होंने दिया, वैकेंट सीट कैसे निकालते हैं रश्मि, 120 टोटल सीट्स है, 96 भरी हुई है, तो वैकेंट मतलब खाली कैसे आएगी बताओ, 120 माइनस 96 करके आएगी, कितना आसान है बताओ, तो 24 सबको प्लस किया 70 है, 70 बाय 5 के 49 आया, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज काफी अच्छे डीआई हमने कर लिए हैं,
और बस कुछ ही बचे हैं वैसे तो, और सारे एक जैसे ही हैं। किसी में डाउट होगा तो अगले डाउट क्लियरिंग क्लास में आप पूछ सकते हो। ठीक है, 414 पेज पे आ गई मैं कराते कराते, जबकि 475 ही है टोटल पेजेस। थैंक यू। एंड कल मैं अलग अलग टाइप के कराऊंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर तो कोई मिसिंग था नहीं, लेकिन मैं जो मेरे को लगता है वो अलग अलग टाइप के मैं कल कराऊंगी। मेरे हिसाब से तो प्रीवियस ईयर वाले हो गए। रात को 10 बजे क्लास है, हाँ डेटा इंटरप्रिटेशन की ही है। ठीक है, तो DI ही करेंगे। थैंक यू।